भाई साहब, जिस तरह से आप शिक्षा प्रदान करते हैं ना, उस तरह अगर आपको ये समझाना होता कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता तो कैसे समझाते? ये सख्त है एकदम, ठीक है, तो चक्कर पकड़ नहीं करते हैं इधर उधर, तो न्यूट्रॉन हो गए ये। इनको न प्लस से मतलब है न माइनस से मतलब है, ये हो गए न्यूट्रॉन और हम हो गए प्रोटॉन। ये दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में, तो हम एक साथ बैठे हैं, हम है प्लस। जितना हम प्लस है ना ताकत में, आप हैं इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस में है। अब हम चाहेंगे आपको खींचे, आप चाहेंगे हमको खींच ले, दोनों दम लगाएंगे तो आप ऐसे घूमने लगेंगे। बहुत बढ़िया, गोल गोल। जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो अभी आपने सिखाया है। किसी किताब में नहीं लिखा होगा ये जो आपने आज हमको पढ़ाया। वाह क्या बात, बहुत जितने सब बैठे हैं यहाँ पर सख्त लौंडा टी शर्ट पहने हैं। सर इसकी कहानी क्या है? सर ये एक आंदोलन है। सर क्या है कि जैसे आप हैं, आप जैसे माशाल्लाह से इतने हसीन आदमी हैं, आप जब कहते हैं कि हम जाकर हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। एक सिरा जहाँ लाइन खत्म होती है वहाँ हम लोग हैं सर। अच्छा। एक होता है कि आप गरीबी में, एक होता है साहब कि आपके पास खाना नहीं है। अगर आप इसी में कहते हैं कि साहब हमारा तो रोजा है, हमने उपवास रखा हुआ है, वही है सर सख्त लौंडा। अरे भाई साहब क्या बात कही है आपने। सर देखिए ऐसे एक शेर लिखा है इसके लिए एक बार, ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। ये होता था कि ग्रेजुएट बनना चाहिए, किसी भी तरह सर पढ़ लिख करके तो हम पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए। तो ग्रेजुएट के बाद हम लोग जो 5-6 मित्र जन थे, शाम को बैठा करें अकेले, मैं यार क्या यार कुछ नौकरी वोकरी मिली क्या? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ यार। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था वो बोला यार हम बताएं आपको हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम है ये कि हमारे बाप ने हमको पैदा क्यों किया था। सर हमको लगा कि ये जो लौंडा है ये सही बोल रहा है। तो जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने गया मैं और उनको हमने बोल दिया कि आपने हमको पैदा क्यों किया था। सर इधर से कुछ जवाब नहीं आया और हम चले गए कमरा छोड़ के, सो गए। हम जब उठे तो हमने देखा कि तकिए के बगल में एक कागज रखा है। वो कागज में एक कविता लिखी है बाबूजी ने, तो वो कविता हम आपको सुनाना चाहें कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके दादा ने बिना पूछे उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा करना।